नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका जन की बात में। और आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कम हो गई है, लेकिन सबसे चिंता का विषय अभी कोरोना नहीं बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी का ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है, और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट जो सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी 3 दशक में सबसे ज्यादा टॉप पर है। क्योंकि देखिए, पिछले साल भी देश में लॉकडाउन था, साल भी अभी भी लॉकडाउन जैसी तमाम राज्यों में स्थिति है। ऐसे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार पिछले साल भी लॉकडाउन के बाद ये कहती नजर आई थी कि आर्थिक स्थिति देश में अब सही होगी। इस साल भी आर्थिक स्थिति सही रहने की वजह से रखने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी जो मिनी लॉकडाउन जो राज्यों की तरफ से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है वो लोग हो रहे हैं। भले ही सरकार की तरफ से कह दिया गया हो कि तमाम इंतजाम कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि LIOU के मुताबिक 2020 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.11% पर पहुंच गई है। यह पिछले 3 दशक में सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। पिछले 1 दशक में भारत की बेरोजगारी दर अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा रही है। इससे ही समझ आता है कि बेरोजगारी का ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 2009 तक श्रीलंका में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब भारत में ये सबसे ज्यादा है। देखिए, अगर 23 मई को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसकी बात करें तो शहरी बेरोजगारी दर 270 बेसिक पॉइंट पर घटकर 17.14% पर पहुंच गई है। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात काबू नहीं हुए तो शहरों में बेरोजगारी दर बढ़कर पिछले साल के उच्चतम स्तर यानी कि 27.1% तक पहुंच सकती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन काजोल, पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हम देख रहे हैं बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, इस साल भी लगाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति देश की सही है, आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी जो मजदूर होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, और बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसी भी देश के लिए मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जनता जो है अब खुलकर इसको लेकर सवाल करती है सरकार से। देखिए, आपने अभी 2020 की बात की थी, जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद जब अनलॉक हुआ धीरे धीरे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते थे, देश को संबोधित करते थे, आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे कि आत्मनिर्भर भारत से हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे जब साल का एंड आया दिसंबर, फिर उसके बाद नया साल आया जनवरी, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन 2021 मार्च में फिर से कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया, दूसरी लहर नजर आई, उसके बाद फिर सब कुछ एकदम सन्नाटा पड़ गया देश में। हालांकि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन सख्ताई वैसी ही है पारुल। कई कंपनी है जो खुली हुई है, और उसे हम ये नहीं कह सकते कि उससे बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोडक्शन जो हाउस है वो कहीं ना कहीं बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, जिसकी वजह से सीधे सीधे असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। बिल्कुल, पिछले साल ये जानकारी मिली थी कि शहरों पर ज्यादा असर पड़ा है, माफ कीजिएगा, पिछले साल असर पड़ा था ज्यादा गाँव पर, लेकिन इस बार जो स्टडी है उस स्टडी से ये मालूम होता है कि शहरों पर ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले साल तो जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई, लेकिन इस बार इतने बुरे हालात हैं कि वापस शायद शहरों का रुख करना अभी मजदूर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस साल भी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर नहीं आती है, और बेरोजगारी का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए पारुल, आज बेरोजगारी की बात हो रही है तो इसको लेकर ना तमाम सोशल मीडिया पर मिथ हैं, कुछ जो फेक खबरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है जो पारुल ने अभी बताई है, तो आज की रिपोर्ट है, जो पूरा सर्वे किया गया उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट बताई गई है। लेकिन 2 दिन पहले एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसके बारे में इसका जिक्र करूँ, क्योंकि ये बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, रोजगार से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी। दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के जरिए ये मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे मैसेज में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। इस संदेश के साथ पारुल एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ था, हालांकि उस वेबसाइट का मैं जिक्र यहां नहीं कर रही हूं। उस लिंक के जरिए युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। साथ में ये भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और साथ में योग्यता 10वीं पास और आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ये पूरा मेंशन किया गया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ और इस मैसेज की खबर जब सरकार को लगी, यानी कि जानकारी जब सरकार को लगी, तो सरकार की तरफ से इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी करार दिया गया। सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई का पता करने वाली सरकारी संस्था FIB फैक्ट चेक ने इस दावे से पोल खोली और बताया कि ये पूरी तरह से फर्जी है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं पारुल की, एक तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऊपर से फेक खबरें, और दूसरी तरफ दसवीं अगर आप पास हैं, 18 से 40 साल की आपकी उम्र है, तो बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा। क्यों? एक तरह से पारुल ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं लोग इसे सही भी मान रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है और रोजगार को लेकर सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। लेकिन सिर्फ सरकार पर हर चीज का ठीकरा फोड़ देना भी सही नहीं है। अभी स्थिति ऐसी है कि अभी चीजें उस तरह से नहीं चल सकती जैसी 2019 तक थी। बिल्कुल। और काजोल, देखिए आपने भी अभी जिक्र किया था कि इस बार जो है बेरोजगारी की दर शहरों में ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों से। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि शहरों में इस बार जो है बेरोजगारी की दर वो ज्यादा है, और वो इस वजह से है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो पाबंदी लगी है, जो मजदूरों का पलायन हुआ, कई देखिए हालांकि मजदूर शहरों में थे, कुछ मजदूरों ने पलायन जरूर किया था, लेकिन कुछ मजदूर इस बार यहीं थे। इस वजह से जो फैक्ट्रियां बंद हैं, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी, हालांकि काजोल इससे पहले भी हमने एक बार जिक्र किया था स्टील इंडस्ट्री को लेकर कि वहां पे कुछ फैक्ट्रियां तो खुल रही हैं, मजदूर तो जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिकों के पास पैसा नहीं है क्योंकि जो रॉ मटेरियल जहां से आता है वो मार्केट अभी इस समय बंद है। तो ऐसे में फैक्ट्री मालिकों के पास उतना पैसा नहीं है जो वो मजदूरों को दे सकें, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा नहीं भी मिल पाता। और बात भी सही है, अगर आपको मेहनत का आपका पैसा नहीं मिलेगा तो वहां पर जाकर मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है, इससे लिए भी बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन देखिए 23 मई को जो सत्ता खत्म हुआ था उस दौरान 14.73% के उच्चतम स्तर पर ये बेरोजगारी जो है वो पहुंच गई थी, जबकि 4 अप्रैल को ये 8.1% पर थी, और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 8.58% से बढ़कर 13.52% तक पहुंच गई थी। हालांकि 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में थोड़ी ज्यादा थी 14.34% पर, यानी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी शहरी क्षेत्रों में है, शहरी इलाकों में है। शहरी क्षेत्रों के रोजगार बाजार पर कोविड संकट का ये दोहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ, मार्केट पूरी तरह से बंद है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो पूरी तरह से अपने घर पर बैठे हैं और इसी इंतजार में है कि कब ये लॉकडाउन हटेगा, कब उनकी दुकानें फिर से खुलेंगी, कब वो अपने काम पर जाएंगे। हालांकि देखिए दिल्ली और यूपी में 1 जून से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, कहा भी गया है कि दिल्ली में तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन काजोल मार्केट खोलने की बात का अभी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, यानी छोटे व्यापारी अभी भी परेशान रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि पाबंदियां तो धीरे धीरे हटेंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या रोजगार लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं कि जैसे ही अनलॉक होगा वैसे वैसे हम अपने काम पर जाएंगे, लेकिन कितनों को रखा जाएगा, कितनों को निकाला जाएगा, कितनों की सैलरी नहीं मिलेगी, कितनों को आधी तनख्वाह मिलेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पिछले साल एक एग्जांपल मैं लूंगी योगी सरकार का, योगी सरकार की तरफ से कागजों में तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था कि इस कोरोना काल के बाद हमने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर किया है, जो छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनको ऋण भी दिया गया, बहुत कम उस पे लोन दिया गया है, बहुत कम ऋण पे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और तस्वीरें भी बहुत अच्छी आई थी निकलकर। लेकिन हर राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, दिल्ली जैसा महानगर, महाराष्ट्र जैसा महानगर, यहाँ पर बहुत मारामारी है,
क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं, जो मजदूर या तो मनरेगा मजदूर होते हैं या बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट को खोलेंगे, लेकिन वापस कितने मजदूर आएंगे, काम कितना होगा, क्योंकि कागजों में तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि समय पर सब मजदूरों को वेतन मिल रहा है, लेकिन जब आप हकीकत जानने के लिए फील्ड पर उतरते हैं तो तस्वीरें कुछ और नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन हर ठीकरा सरकार पर फोड़ना भी गलत है, लेकिन आम आदमी सवाल किससे करे। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, सही बात है कि आम आदमी सवाल करे तो किससे करे, क्योंकि सरकार ने पिछले साल भी यही जिक्र किया था कि आर्थिक स्थिति अब भारत की सही हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर चल पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो फिर से स्थिति वैसी हो गई जैसे पिछले साल थी। तो अब ऐसे में यही देखने वाली बात है कि बेरोजगारी की दर जो है वो इतनी ज़्यादा फीसदी बढ़ गई है, अब आने वाले समय में जब अनलॉक होना शुरू होगा तमाम राज्यों में, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को की रोजी रोटी पर संकट फिर से नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।